नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, UPSC IAS PT 2021 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज जो क्वेश्चन है वह है, हिंदी में पहले पढ़ लेते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? पहला स्टेटमेंट है, हैदराबाद राज से अरकोट की निजामत का उदय हुआ। याद रखिएगा, हैदराबाद राज से अरकोट की निजामत, अरकोट जो है एक सिटी का नाम है जो कि कैपिटल हुआ करता था, किसका? तो कर्नाटक का। तो मतलब ये कर्नाटक जो निजामत है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, वो अभी हम देखेंगे मैप में। पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो गई है, तब आपको हैदराबाद राज का मतलब हैदराबाद का पिक्चर दिखना चाहिए, अरकोट की निजामत में तो अरकोट का टाइम एंड स्पेस आपको दिखना चाहिए, किस समय की बात हो रही है और किस जगह इसका लोकेशन है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, विजयनगर साम्राज्य का मैप और उसका पीरियड क्या था वो दिखना चाहिए, से मैसूर राज का उदय हुआ। मैसूर राज कहाँ पे है और क्या टाइम पीरियड है? अगेन मैं आपको बोलता हूँ, TSP के कंसेप्ट में अगर आपको इतिहास को पढ़ेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। यहाँ अभी जो मैंने बात किया है वो टाइम एंड स्पेस की ही बात किया है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, रुहेलखंड राज एक स्पेस की बात करता है, कहाँ पे है वो देखना है, कब था वो देखना है, का गठन जो हुआ है वह अहमद शाह दुर्रानी जो कि एक अफगानी अटैकर था द्वारा अधिकृत राज क्षेत्र में से हुआ। तीन स्टेटमेंट है, तीनों को इंग्लिश में फिर से हम पढ़ लेते हैं। तो कहता है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? एक नंबर, द निजामत ऑफ अरकोट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट से निजामत ऑफ अरकोट इमर्ज हुआ। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, द मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। क्लियर? थर्ड वन, रोहिलखंड किंगडम वॉज फॉर्म्ड आउट दिया है, वहां पे आउट ऑफ या इमर्ज आउट ऑफ दिया हुआ है, बात बराबर है, एक ही बात कर रहा है। फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी कहिए या अहमद शाह अब्दाली की कहिए, वही अहमद शाह अब्दाली जो पानीपत का जो बैटल हुआ था 1764 में, 1764 में, उसकी बात कर रहा है, वही अहमद शाह दुर्रानी। अब कहते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कोड नंबर ए में कहता है 1 और 2 दोनों सही है, बी में कहता है 2 सही है, सी में कहता है 2 और 3 सही है, एंड डी में कहता है 3 है। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये बेस्ड है स्टेट इमर्ज्ड आउट ऑफ, ये जो स्टेट इमर्ज हुआ है किस स्टेट से इमर्ज हुआ है, आउट ऑफ, इमर्ज आउट ऑफ या फॉर्म्ड आउट ऑफ, इसी की बात कर रहा है, इसी पे हमारा क्वेश्चन बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, इसको हम देखने से पहले एक बार मैप देख लेते हैं। तो देखिए, आप इस राइट साइड वाले मैप में आइए, तो ये तो बार बार मैं कई क्वेश्चन में डिस्कस किया हूं, तो विजयनगर का ये मैप है। क्लियर? विजयनगर का टाइम क्या है ये मैं कई बार लिखा हूं, 1336 से लेकर के 1646 तक, लेकिन इस बीच में एक युद्ध हुआ है, बन्नी हट्टी का युद्ध, जो अभी हम आगे मेंशन करेंगे। उसके बाद, उस युद्ध के बाद विजयनगर कमजोर हो गया, इसका पकड़ बहुत ढीला पड़ गया, तो धीरे धीरे मुगल एम्पायर इसमें एंट्री कर गया, मुगल एम्पायर के कब्जा में ये सारे एरिया आ गए। उसके बाद कहानी क्या होता है उसको हम आपको इस लेफ्ट साइड मैप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक जो टेरिटरी वाइज बात किया गया है, एक रोहिलखंड का बात किया गया है, मैसूर का बात किया गया है और अरकोट का बात किया गया है। तो कहता है, मैसूर विजयनगर से इमर्ज हुआ और अरकोट हैदराबाद से इमर्ज हुआ, और रोहिलखंड जो दुर्रानी का जो राज था उससे इमर्ज हुआ।
है ना, ऑक्यूपाइड जो एरिया था दुर्रानी का भारत में अटैक के बाद, उससे रोहिलखंड का इमर्जेंस हुआ। ये तीन स्टेटमेंट है। तो चलिए हम आप लोग देखते हैं कि रोहिलखंड क्या है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है पूरा, आप देखिएगा ये वाला दिख रहा है रेड कलर्स की मैं चला रहा हूं, ये एरिया रोहिलखंड है। क्लियर यहां तक? ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये मैसूर है, आप गौर से देखिए, ये मैसूर है, ये मैसूर मैसूर मैसूर, ये मैसूर। इसके ऊपर में ये देखिएगा तो ये आपका निजाम है। कौन सा निजाम है भैया? तो ये हैदराबाद का निजाम है, ये हैदराबाद का निजाम है। दो, और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना यहां से यहां तक, ये कर्नाटक वाला एरिया है, जो ओरकोट या कर्नाटक, यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है ओरकोट, जो कर्नाटक का कैपिटल है, कैपिटल था। तो आपको मैंने क्या क्या बता दिया, ये हैदराबाद के निजाम का एरिया बता दिया, या मैसूर का एरिया बता दिया, ये कर्नाटक या ओरकोट वाला एरिया बता दिया, और ये आपका रोहिलखंड बता दिया, और ये आपका विजयनगर का एम्पायर जब बहुत ज्यादा प्रभुत्वशाली था उस समय का बता दिया। और यहाँ पे देखेंगे तो ये मंगोल वाला एरिया है, दिल्ली के आसपास मंगोल था। ये मैं कब का मैप है, ये तो 1765 का मैप है। 1765 में पलासी का युद्ध हुआ था, तो ब्रिटेन का जो कब्जा था यहां पे, ब्रिटेन का कब्जा था। 1765 में पलासी का युद्ध होता है, 1764 में पानीपत का युद्ध होता है, हरियाणा में एक जगह है पानीपत, वहां से 1764 में अब्दाली का अटैक होता है। तो याद रखिए ये युद्ध कैसे सब चीज हो रहा है, मतलब इस सब को ध्यान में रखिएगा। तो ये पिक्चर आपको बन गया। अब हम बात करते हैं तो एक एक सवाल का जवाब कैसे ढूंढते हैं उसको देखिएगा। देखिए जो ओल्ड एनसीईआरटी है मॉडर्न का, रिटन बाय विपिन चंद्रा है ना, उसमें सारे जो पेज नंबर, अभी हमको ये दिख नहीं रहा इसमें पेज नंबर कहां पे है, तो उसमें एक पहला चैप्टर ही है, उसमें जहां जहां काम का चीज है उसका फोटो खींच करके हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक वॉज वन ऑफ द सूबास, इससे पहले वाले वीडियो मैंने बात किया है कि मुगल एम्पायर को कई सूबों में बांटा गया, और अकबर के समय में 12 सूबा थे 1580 तक, उसके बाद और एड ऑन हुआ है टेरिटरी, तो उसमें और सूबा की संख्या बढ़ाया गया। तो सूबा था क्या था, कर्नाटक वन ऑफ द सूबास ऑफ मुगल दक्कन, मुगल का जो दक्कन वाला एरिया था उसमें कर्नाटक भी एक सूबा था। एंड सच एज केम अंडर द निजाम ऑफ हैदराबाद अथॉरिटी, ये बात जरूर याद रखिएगा, केम अंडर द निजाम ऑफ हैदराबाद अथॉरिटी, ये चीज को बहुत माइन्यूटली आपको समझना है कि ये भले ही एक सूबा था लेकिन हैदराबाद का जो निजाम है उसके अंडर में था, हैदराबाद के निजाम के अथॉरिटी के अंदर में था। जब हैदराबाद का निजाम कमजोर होगा तब यह ओरकोट अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा, मतलब इमर्ज्ड होगा आउट ऑफ हैदराबाद। बहुत लोगों को लगता है कि यह हैदराबाद के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, यह कर्नाटक ऑलरेडी मुगल का एक सूबा था, वास्तव में ये मुगल के कमजोर होने से इमर्ज हुआ है, न कि हैदराबाद के कमजोर होने से इमर्ज है। ये कंफ्यूजन मत रहिए, ये लाइन डायरेक्ट कहता है कि हैदराबाद के अथॉरिटी के अंडर था। अगर मुगल कमजोर भी हो गया, हैदराबाद बहुत मजबूत रहता तो ओरकोट इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता। ये संभव है संभव है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता, इसीलिए हैदराबाद के कमजोर होने से ही ओरकोट इमर्ज हुआ। ये बात आपको मान लेनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ये क्लियर हो गया। कहता है डिप्टी गवर्नर ऑफ कर्नाटक नॉन एज नवाब ऑफ कर्नाटक, याद रखिए गवर्नर का पोस्ट नहीं दिया गया है किसको, तो कर्नाटक के जो सूबा के जो गवर्नर है उसको क्या दिया गया है, डिप्टी गवर्नर बताया गया है, नॉट गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, मतलब हैदराबाद के जो सूबेदार है उससे नीचे दर्जे का सूबेदार का अधिकार दिया गया, डिप्टी गवर्नर का अधिकार दिया गया। हैड फ्रीड हिमसेल्फ ऑफ द कंट्रोल ऑफ वायसराय ऑफ द दक्कन एंड मेड हिमसेल्फ हिज ऑफिशियल हेरिडिटरी, और अपना जो अधिकार उत्तराधिकार चुनने का अधिकार था वो खुद अपने से ले लिया, मतलब जो दक्कन का जो वायसराय है कौन, ये हैदराबाद के निजाम, उससे उसने अनुमति भी ले लिया। एक तो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया और उसका उत्तराधिकारी कौन होगा उसके लिए हैदराबाद से पूछने का जरूरत भी नहीं समझा, खुद से घोषित
करना शुरू कर दिया। ये बात साबित करता है कि ऑर्कॉट का जन्म जो है, जो इमर्जेंस हुआ है, वह हैदराबाद से हुआ है, इस एनसीआरटी ओल्ड एनसीआरटी रिटर्न बाय सतीश चंद्रा के। इस बेसिक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं तो मैसूर की बात करते हैं, है ना। मैसूर के बारे में बोलता है, द किंगडम ऑफ मैसूर हैड प्रिजर्व इट्स प्रिकेरियस इंडिपेंडेंस इवर सिंस द एंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर। जब से विजयनगर एम्पायर का एंड हुआ है, तब से ये अपने आप को इंडिपेंडेंस बनाए हुआ है, एंड हैड बीन ओनली नॉमिनली ए पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का पार्ट रहा है बस नॉमिनली, मतलब नाम भर का। अर्ली इन द 18th सेंचुरी टू मिनिस्टर्स, एक का नाम है नंदराज जो कि क्या थे, सर्वाधिकारी थे, एंड देवराज जो कि दौलवाई थे, हैड सीज पावर इन द मैसूर रिड्यूसिंग द किंग चिक्का राजा टू ए मियर पपेट। मतलब कहता है कि ये जो थे, इसका जो इमर्जेंस हुआ है, बेसिकली जो विजयनगर एम्पायर है उनके उनसे इस मैसूर का इमर्जेंस हुआ है। ये बात इस लाइन से बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। आगे अगर हम देखें तो एक चीज और देख लेते हैं, उसमें रोहिलखंड का बात किया गया था। यहां से बोलता है जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ है, कब हुआ है भैया, तो 1739 में हुआ है। इसका जब इन्वेजन हुआ है तो अली मोहम्मद खां, एक व्यक्ति का नाम है, कार्व्ड आउट ए सेपरेट प्रिंसली एस्टेट नॉन एज रोहिलखंड एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास बिटवीन, किसका, गंगा जो कि साउथ में था, और उस जो अपना एरिया जो टेरिटरी घोषित किया जहां वो राज करता था, उसका दक्षिणी जो एरिया था, दक्षिण जो सीमा बनाता था वो गंगा बनाता था, और नॉर्थ का कुमाऊं हिल्स बनाता था। उनका जो कैपिटल था पहले एलॉन था, और जो कि बरेली में था, और बाद में उसका रामपुर कैपिटल हो गया। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, रोहिलखंड इमर्ज आउट ऑफ मुगल नॉट अफगान ऑक्युपाइड टेरिटरी। ये बात क्लियर हो गया कि मुगल के कमजोर होने से रोहिलखंड ने इस पे अपना अधिकार करके यहां इमर्ज किया। और कमजोर क्यों हुआ, क्योंकि नादिर शाह का अटैक हुआ, नादिर शाह भी अफगानी थे, और ये जो मोहम्मद खान थे ये भी अफगानी थे, तो नादिर शाह ने एक तरह से मोहम्मद खान को उस एरिया में इमर्ज करने में मदद ही किया। तो ये बात क्लियर हो गया कि, और ये जो मोहम्मद थे 1764 में जो युद्ध हुआ था अब्दाली के साथ, अब्दाली कब अटैक किया है, ये 1748 में पहली बार अटैक किया है, और ये जो मोहम्मद खान है इसने 1721 में अपने एरिया में बनाना शुरू कर दिया था, और इस अटैक के बाद ये और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। मतलब इस अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी के अटैक से बहुत पहले इस मोहम्मद खान ने रोहिलखंड एरिया को अपने कब्जे में लेकर के एक एस्टेट बना लिया था। इट मीन्स दिस रोहिलखंड एरिया वॉज इमर्ज आउट ऑफ मुगल। क्लियर हो गया, ये तीन क्वेश्चन को इस एनसीईआरटी के इन तीनों पेज से मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्लियर। स्टेटमेंट वन क्या कहता है, निजामत ऑफ द कर्नाटिक वाज डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद दक्कन एंड वाज अंडर द लीगल परव्यू ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद अंटिल इट्स डिमाइज, लेटर इट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद। मतलब कर्नाटिक जो है हैदराबाद से इमर्ज हुआ। स्टेटमेंट टू, मतलब ये क्या कह रहा है, मैसूर किंगडम विच वॉज फाउंडेड एंड रूल्ड फॉर मोस्ट पार्ट पार्टी बाय द हिंदू ओडियार फैमिली सर्व्ड एज ए फ्यूडिटरी ऑफ द विजयनगर एम्पायर अंटिल द एम्पायर्स डिक्लाइन 1565। यहाँ पे बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ, विजयनगर डिक्लाइन किया, उसके बाद ये ओडियार डायनेस्टी मैसूर ने अपना स्टेट यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। मतलब विजयनगर से इस मैसूर का उद्भव हुआ, इमर्जेंस हुआ। तीसरा, रोहिलखंड स्टेट एरोज इन द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ रामपुर बरेली इट इज अंडर द डिक्लाइन मुगल एम्पायर, कब, 1721 में इस रोहिलखंड एस्टेट का इमर्जेंस हुआ। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह 1739 और अहमद शाह दुर्रानी का जो इन्वेजन हुआ है वो 1748। यही बात तो मैं आपको मैप के साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ सारा चीज बताया है। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर हम देखें तो स्टेट इमर्ज आउट ऑफ के तहत हमने क्या क्या देखा, निजाम देखा,
और कोट का निजामत दिखा, हैदराबाद का स्टेट दिखा, मैसूर किंगडम, विजयनगर एम्पायर, रोहिलखंड किंगडम एंड अहमद शाह दुर्रानी, उसके बाद नादिर शाह का अटैक, इन सारी चीजों को देखा। इस तरह से ये 18th सेंचुरी का बात है। भारत में 18th सेंचुरी में बहुत कुछ पॉलिटिकली हो रहा था, कुछ इमर्ज हो रहे थे, कुछ डिक्लाइन कर रहे थे और फिर कुछ आ रहे थे, है ना। ये सारे प्रोसेस आ रहे थे, जो फॉरनर्स थे वो यहां आ रहे थे, ब्रिटिश यहां पे ऑक्युपाइड कर रहे थे। ये 18th सेंचुरी का पॉलिटिकल स्टोरी है। इस स्टोरी को अगर आप जान जाएंगे अच्छी तरह से तो ये सवाल बहुत ही आसानी से बना लेंगे। इतना कुछ जानने के बाद अब आप कह सकते हैं इसका आंसर ए होगा, 1 और 2। बहुत लोगों को ए में कंफ्यूजन है कि नहीं ये इमर्ज आउट ऑफ मुगल है, इतना कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ये साफ क्लियर होता है कि ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब 1 और 2 इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, इतना विस्तार से बताने का मेरा पर्पस यही था कि आप इस एक साल के इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये 2024 में अपने आप को तैयार कीजिए कि इन सारे चीजों से अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो। मुझे उम्मीद है कि आज आप बहुत ही एंजॉय किए होंगे। इसको कूल रहना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है, लोड लेके तैयारी नहीं करना है। तैयारी कैसे करना है ये पता हो जाए तो फिर हंसते हंसते आईएएस बन जाते हैं लोग। कैसे करना है यही तो मैं बताने के लिए आपके पास आया। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें, हमारे वीडियो को अपने दोस्त जो जरूरतमंद है जिनको इसकी आवश्यकता है उनको शेयर करें, और लास्ट में थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।